लास्ट क्वेश्चन मैकलॉरिन थ्योरम। ओके ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन वन, यस क्वेश्चन वन, अप्लाई मैकलॉरिन थ्योरम, अप्लाई मैकलॉरिन थ्योरम टू प्रूव दैट log of sec a is equal to 1/2 x square। मेरी वॉइस क्लियर है ना? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं वॉइस में? वॉइस क्लियर? यस और नो? यस। 2nd part for simple question, okay? ये जो क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन को बिलोंग नहीं कर रहा, दिस क्वेश्चन डज नॉट बिलोंग इनवर्स फंक्शन। ठीक है, वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं नहीं, वीडियो में भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग थोड़ा सा नेट में देखें, तो नेट सरताज के प्रॉब्लम है क्या कुछ? यस और नो? क्या प्रॉब्लम है वीडियो में? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है सरताज वीडियो में? एक्चुअली क्या है कि वो प्रॉब्लम इसलिए हो सकती है कि जो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप लोग उसको ध्यान से देखिए, मैं नोट्स भेज दूंगा, उससे नोट करिएगा जितना भी आपको क्या है ना। ठीक है, न
Now उसका differentiation करेंगे on successive differentiation with respect to x of equation one. अब प्रॉब्लम है क्या? अब प्रॉब्लम है क्या? देखो, दो स्क्रीन आ रही क्या? ओके, ठीक है, अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना? यस, ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन वन. हमने इस इक्वेशन वन का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स का क्या होगा? वन अपॉन सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स इनटू टेन एक्स. अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? यस, ओके. सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल, तो दिस शुड बी टेन एक्स. इक्वेशन नंबर थ्री. अगेन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. फिर से देखो, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, अब टेन एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स. दिस इक्वेशन नंबर फोर्थ. दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ. This equation number 4, f triple dash x is equal to 2 sec x into 10 x. Sorry, 2 sec x, पहले power का, फिर sec x का, sec x into 10 x. This should be 2 sec square x into 10 x. Equation number 5. ये process हम continue करते जाएंगे इसमें. इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो क्या होगा? देखो, उसमें ऑन पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन. तो वन में जब पुट करोगे तो दिस शुड बी एफ जीरो इज इक्वल टू लॉग सेक जीरो, और सेक जीरो मींस वन होता है. लॉग वन इज ऑल्सो जीरो. लॉग वन इज ऑल्सो जीरो. द नेक्स्ट एफ डैश एक्स, एफ डैश जीरो, एक्स को जीरो से रिप्लेस किया टेन जीरो. टेन जीरो इज जीरो, एन जीरो इज जीरो. f double dash is equal to f double dash, this sec square zero, cos zero one, then sec zero is also one. Similarly, f triple dash zero. F triple dash zero means where is f triple dash? This. So 2 sec square zero into 10 zero. Into 10 0, so 2 sec 0 is 1, but 10 0 is 0. This should be 0. This process will be continued. This process will be continued. Please note down. Please note down. अब करना क्या है? नाउ ऑल
all the above values substitute in equation number 2. Now we write on putting all the above values in equation second, then we get ये मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर रहा हूं, सॉरी रफ कर रहा हूं मिडिल टर्म को. दिस शुड बी एफ एक्स, एफ एक्स मीन्स लॉग सेक एक्स. एफ जीरो, एफ जीरो मीन्स एफ जीरो इज जीरो प्लस एक्स इन टू एक्स इन टू f dash 0 is 0, x square upon factorial 2, f double dash 0 is 1, plus x cube upon factorial 3, f triple dash 0 is also 0. Then all term we can find, will find here. So we have log sec x is equal to x square upon factorial 2. अगली टर्म क्या होगी, x4 upon 12 plus and so on. यदि हमको फोर्थ ये वाली टर्म चाहिए तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना, इस टर्म का एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे. जो थर्ड डिफरेंशिएशन था, we have the third differentiation again, fourth derivative. And we can put x equal to 0, then find the value 1 upon 12. Okay? So, this is the result for the function fx is equal to log sec x. fx is equal to log sec x. Please note down. Similarly, विजय सैनी नोट नहीं कर रहे हो क्या तुम? विजय सैनी ईयरफोन लगाओ, विजय सैनी क्या नोट नहीं कर रहे हो आप? प्लीज नोट डाउन विजय सैनी. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस. ओके, नाउ next, now we discuss on next question. Next question is find the first five terms in expression of e to the power sin x by Maclaurin theorem. Here, this is very important term e to the power sin x, and says in question first five term. What is meaning of first five term? First derivative, second derivative, third derivative, fourth derivative. And x5 upon factorial 5, fifth derivative. This is the last term. This is the last term. Okay? So, first 5 term means first time differentiation, second time differentiation, third time differentiation, fourth time differentiation,
एंड फिफ्थ टाइम डिफरेंशिएशन. क्लियर? तो नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स. दिस इक्वेशन नंबर वन. एंड वी नो दैट this formula. Please note down the term. Yes, on successive differentiation with respect to x of equation 1, f dash x is equal to e ki power sin x. E to the power x is x. E to the power x means x. Clear? And extra term sin x, the differentiation is cos x. And we have e to the power x. This is called fx. So fx into cos x. This is equation number third. F double dash x. F double dash x. This first. This is the function of x, and this is the function of also x. Therefore, fx is first term. Cos x is second term. So first function cos x minus sin x plus cos x into f dash x, okay, or minus f of x cos x f of x dash ke saath cos x into equation number 4. This is equation number 4. The third derivative. Here, the third derivative is equal to, third derivative is equal to product of two function and also product of two function. Therefore, first function differentiation of second term. This minus should be minus second function and differentiation of first function. Similarly, we can use the product formula for the differentiation. F dash x minus sin x plus cos x f double dash x. Okay, now this minus minus plus f of x sin x minus cos x f dash x minus minus this minus f dash x sin x plus cos x f double dash x. This should be then f triple dash x. First function, second differentiation, second function, first. First, second, and second, first. Okay, okay. Okay? Now, this is the equation number 5. F fourth dash x. So, you can find okay, yes, this is sin x,
दिस इज साइलेंस. ओके वेरी गुड, करेक्शन ओवर हियर. और दिस शुड बी सम टाइम चेंज हियर, साइलेंस इज कॉज एक्स एंड दिस शुड बी चेंज माइनस साइलेंस एफ डैश एक्स. ओके ओके गजेंद्र, यस एफ डैश एक्स माइनस sin x plus cos x f double dash. This should be minus f x cos x minus f x cos x minus f dash x sin x minus f dash. So minus 2 f x sin x. Clear it? And last term cos x f double dash x. Similarly, अब आपको क्या करना क्या है, फोर्थ डेरिवेटिव भी आपको निकालना है. कौन सा डेरिवेटिव? फोर्थ नंबर का डेरिवेटिव. सरताज, कौन सा डेरिवेटिव? फोर्थ नंबर का डेरिवेटिव. फोर्थ नंबर का डेरिवेटिव और फिफ्थ नंबर का. इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. ठीक है, क्योंकि इसके टर्म जो होगी लार्ज होगी तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव आप निकालिएगा. सबको ये होमवर्क दे रहा हूं और फिफ्थ डेरिवेटिव भी आपको ही निकालना है. दिस इज इक्वेशन नंबर फिफ्थ, इसकी इक्वेशन सिक्स आएगी और इसकी इक्वेशन कौन सी आएगी? सेवन. नोट करिए यहां तक फटाफट, पहले नोट करो. अजय अटेंडेंस ले लेना बेटा. यस अजय अटेंडेंस जरूर ले लेना. ठीक है, अब इसमें ऑन पुटिंग x इक्वल टू जीरो in equation 1, 3, 4, 5 and so on. तो 1 में put किया तो f 0 equal to e की power sin 0, e to sin 0 is 0, this should be 1. मैं इसको इस वाले part को रफ कर रहा हूँ. ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं वैल्यू के लिए. एफ डैश जीरो, वेयर इज एफ डैश? दिस एफ डैश जीरो, एफ जीरो इंटू कॉस जीरो और एफ जीरो इज वन. एफ जीरो इज वन और कॉस जीरो इज ऑल्सो वन. दिस शुड बी वन. एफ डबल डैश जीरो is equal to, where is f double dash? This f double dash 0, f double dash means minus f 0 sin 0, same plus f dash 0 into cos 0. This should be f 0 is 1 but sin 0 is 0, f dash 0 is 1 and cos 0 is also 1. This should be 0 but 1 into 1 is 1. Okay, f triple dash 0, f triple dash 0, where is f triple dash? F triple dash 0 means minus f 0 cos 0 minus 2 f 0 sin 0 cos 0 f double dash 0. This minus f 0 is 1, cos 0 is also 1, 2, f 0 is 1, but sin 0 is 0, plus cos 0 is 1, f double dash 0 is also 1, this minus 1 and plus 1, so this 0 and this is also 0, this should be 0. Okay, similarly, you can find f 4 dash 0 and f 5 dash 0, kab niklenge? जब आप इनकी यहां पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे इनकी, और इस इन दोनों इक्वेशन में
एक्स की वैल्यू को जब जीरो रिप्लेस करेंगे तो वो हमको फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? नाउ वी ऑल द अबव वैल्यूज, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू एंड अदर वैल्यू, कौन सी इक्वेशन में? सेकंड इक्वेशन में। नाउ ऑन पुटिंग, नाउ ऑन पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो in equation second, left hand side is e ki power sin x, f 0 is 1, x f dash 0 is also 1, x square upon factorial 2, f double dash 0, where is f double dash? This is 1, x cube upon factorial 3, f triple dash 0 is 0, सेम हम ऐसे आगे की टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। कहां तक करना है हमको? x 5 तक। दिस शुड बी 1 प्लस x, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, दिस शुड बी 0 एंड नेक्स्ट। फटाफट नोट करो, नोट कर लिया? बीच में आप मेंशन कर लेना, ऑन पुटिंग ऑल द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन, कौन से में? ऑन पुटिंग ऑल द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड। ओके, कर लिया सबने नोट? नोट कर लिया सबने? अब मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं 2 मिनट के लिए। क्लियर है? अभय सिंह तिवारी अपने आप को अनम्यूट करो। अभय सिंह तिवारी, यस अभय, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आज के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। आपको करना है, ठीक है जी। अकमल जी, अकमल अपने आप को अनम्यूट करो। अभय आप म्यूट कर लो। यस अकमल सर। यस सर। आप पढ़ रहे हो घर में? यस सर। बेटा देखिए, अभी मैकलॉरिन थ्योरम आज कंप्लीट कर दी है, कल मैं ट्यूलर थ्योरम पे डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ठीक है? कल मींस मंडे को। ओके ओके सर। आशुतोष पटेल, बाकी लोग म्यूट करते जाएं अपने आप को। आशुतोष। यस सर। बेटा कैसा लग रहा पढ़ने में अभी? अच्छा लग रहा है। मैथ्स समझ में आ रही है? हाँ सर, सर। देखो थोड़ा सा ये मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि अभी आप लोग 12th का जो पढ़ते रहे हो लगभग लगभग डिफरेंशिएशन वही है, बस इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस का वर्क होगा बेटा, ठीक है ना? क्लियर है? आवाज नहीं आ रही, आपको म्यूट कर ले सब लोग प्लीज। यश, नेक्स्ट धर्मेंद्र दास। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र दास, गजेंद्र, गजेंद्र। यस सर। हाँ गजेंद्र, कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है सर, पूरी सर रिवाइज कर ली सर, पूरी सवाल पूरा रिवाइज हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? यस सर, कर ली। नो सर, पूरी कर ली, नोट भी कर लिए सर। अपन सब गुनीराम जुड़ा है, गुनीराम पारदी, गुनीराम। यस सर, यस सर। बेटा रोज क्लास अटेंड करना है सभी को। यस सर। दूसरी चीज ये सब लोगों से मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कल के दिन एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, सिविल का अलग और मैथ्स का अलग, मैथ्स का, ठीक है? तो उस ग्रुप में अपने को सबको जुड़ना है। क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है ना, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, सब लोग प्रैक्टिस कर लिएगा, ठीक है?
ठीक है सर, लेबनिस थ्योरम समझ में नहीं आई थी। कौन सी लेबनिटीज? हम लेबनिटीज के लिए एक पर्टिकुलर डे देंगे, एक आध दिन मैं मैनेज कर लूंगा क्लास को अलग से, 3 बजे के 2:30 बजे के बाद, ठीक है उस दिन yes, कर लेंगे। यस सर। ओके यस सर ठीक है, चलिए ठीक ओके, थैंक यू सर।